हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ साइंसेज एंड आई एम योर एजुकेटर सुप्रिया। आज का जो वीडियो है वो इकोलॉजी के टॉपिक पे है, ठीक है। मतलब इकोलॉजी यूनिट से जो है वीडियो को टॉपिक को मैंने लिया है, जिसमें हम सबसे पहले रूल्स पढ़ेंगे जो थोड़ा सा बेसिक है। उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजी के रूल्स हैं, जैसे बर्जमैन्स रूल्स, एलन्स रूल्स, इनके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बेसिक में क्या आ जाता है कि इसमें बोला क्या है कि हमें रूल्स पढ़ना है, तो रूल्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे। दैट ऑल एनिमल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी बेस्ड ऑन द प्रोसेस बाय विच मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करते हैं, यानी कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है। सबसे पहले क्या कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनको होमियोथर्मिक कहते हैं, ठीक, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनको पोक्लियोथर्मिक्स कहते हैं। सो वार्म ब्लडेड में क्या आ जाते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स, जैसे कि जो हम लोग भी हैं, हम लोग इसमें आ जाते हैं, मैमल्स में आ जाते हैं, ह्यूमंस जो है मैमल्स में आते हैं। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं कि मतलब कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर, इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो जो बाहर का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि कॉन्स्टेंट होता है। जैसे कि हम लोगों की बॉडी का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, टेम्परेचर मतलब कम हो या ज़्यादा हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, इट मीन्स कि हमें जो है फीवर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कोल्ड ब्लडेड या पोक्लियोथर्मिक एनिमल्स। ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर बाहर के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होने लगता है, ठीक है। इसमें जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, फिशेज हैं एंड एम्फीबियंस इसमें इंक्लूड होते हैं। उसके अलावा एक आते हैं एंडोथर्म्स, एनिमल प्रोड्यूस सफिशियंट मेटाबॉलिक हीट टू मेंटेन हाई बॉडी टेम्परेचर। इसमें क्या कहते हैं, एंडोथर्म्स जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो सफिशियंट मेटाबॉलिक हीट को प्रोड्यूस करते हैं ताकि अपनी बॉडी को हाई टेम्परेचर में मेंटेन कर सके, ठीक है। तो ये पहले एक बेसिक हो गया, अब हम रूल्स को पढ़ेंगे मेन। सो इकोलॉजी रूल्स में सबसे पहले जो रूल्स आता है वो है बर्जमैन्स रूल, ठीक है। बर्जमैन्स रूल जो है वो साइंटिस्ट के बेस पे है, यानी कि जो नेम जो यहाँ पे है, जो जिन्होंने इसको इस रूल को जो है वो डिस्कवर किया था, उसी उन्हीं के बेसिस पे ये बर्जमैन्स रूल्स नाम दिया गया है, ठीक। पॉपुलेशंस एंड स्पीसीज ऑफ लार्ज साइज आर फाउंड इन कोल्डर इन्वायरमेंट्स एंड स्पीसीज ऑफ स्मॉल साइज आर फाउंड इन वार्मर रीजन्स। क्या बोला है कि कोई भी पॉपुलेशन या स्पीसीज, जो भी एनिमल की स्पीसीज लार्ज साइज की है, वो कहाँ पे पाई जाती है, कोल्डर इन्वायरमेंट में पाई जाती है। और ऐसी स्पीसीज जो कि स्मॉल साइज की है वो कहाँ पे, वार्मर रीजन्स में पाई जाती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी एनिमल है वो कहाँ पे, जैसे कि आप वाइट पांडा को, वाइट पांडा कहाँ पे पाया जाता है, ये कोल्डर इन्वायरमेंट में पाया जाता है, जो जहाँ पे स्नोफॉल होता है वहाँ पे पाया जाता है। वही जो स्मॉल स्पीसीज है वो कहाँ पे, वार्मर रीजन्स पे, जैसे कि आप जहाँ पे जो भी लोग गर्म एरिया में रहते हैं, जैसे कि माउस हो गया, ठीक है, जो रैट होते हैं वो कहाँ पे, वार्मर रीजन्स में पाए जाते हैं। बर्जमैन्स रूल्स इज मोस्ट ऑफन अप्लाइड टू मैमल्स एंड बर्ड्स विच आर एंडोथर्म्स। बर्जमैन्स रूल्स का मेनली जो है वो किसके लिए अप्लाइड होता है, मैमल्स एंड बर्ड्स के लिए, जिनको एंडोथर्म्स की कैटेगरी में भी रखा गया है, क्योंकि ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हीट को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हम लोग भी, हमारी बॉडी से क्या होता है, हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। लार्जर एनिमल्स हैव अ लोअर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो देन स्मॉलर एनिमल्स, सो दे रेडिएट लेस बॉडी हीट पर यूनिट ऑफ मास एंड देयरफॉर स्टे वार्मर इन कोल्ड क्लाइमेट्स। जो भी लार्जर एनिमल्स होते हैं उनका क्या होता है कि उनका सरफेस एरिया कम होता है, वॉल्यूम रेशियो मतलब लोअर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो देन स्मॉलर एनिमल्स से। सो जो लार्जर एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लेस बॉडी को, हीट को जो है अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करते हैं, और ताकि वो जब उनकी बॉडी से हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो वो अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट में भी अपने आप को वार्म कर पाते हैं, मतलब अपने आप को, उनकी बॉडी को, अपने बॉडी को गर्म रख पाते हैं, ठीक। द हायर सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ स्मॉलर एनिमल्स इज इन हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स फैसिलिटेट्स हीट लॉस थ्रू द स्किन एंड हेल्प्स कूल द बॉडी। जो हायर सर्फेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो में स्मॉलर एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि हम लोग भी हैं, ये सब क्या करते हैं कि हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट्स में ये अपनी बॉडी से कम हीट को
प्रोड्यूस करते हैं ताकि जो है इनकी बॉडी जो है वो गोल बनी रहे। तो बर्जमैन्स रूल बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ आप अगर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या कि मेन जो है कि ऐसी स्पीसीज जो इससे क्वेश्चंस मेनली पूछे जाते हैं कि ऐसी स्पीसीज जो कि लार्ज एरिया में रहती है, बर्जमैन्स रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है कि ऐसी स्पीसीज या पॉपुलेशन जो लार्ज साइज की है वो कोल्डर इन्वायरमेंट्स में रहती हैं, और जो स्मॉल साइज की है वो कहाँ पे, वो वार्मर रीजन्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट बर्जमैन्स रूल्स का ही एक्सटेंशन है एलन्स रूल, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि क्या है एलन्स रूल, एलन्स रूल इज एक्सटेंशन ऑफ बर्जमैन्स रूल अप्लाइड फॉर एंडोथर्म्स, ये भी एंडोथर्म्स के लिए है। इसमें क्या मेन बोला गया है कि एंडोथर्मिक एनिमल्स टेंड टू हैव शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज या फिर एक्सटर्नल अपेंडिजेस, जिसको एक्सटर्नल ऑर्गन्स बोला गया है, इन कोल्डर रीजन एंड एनिमल्स ऑफ वार्मर क्लाइमेट विल हैव लार्ज एक्सटर्नल अपेंडिजेस। एलन्स रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसे एंडोथर्मिक एनिमल्स जिनके एक्सटर्नल ऑर्गन शॉर्ट है, मीन्स छोटे छोटे से हैं, जैसे कि उनके ईयर्स हो गए, उनकी टेल हो गई, उनकी नोज हो गई, वो एनिमल्स जो है वो कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं, और ऐसे एनिमल्स जिनके लार्ज एक्सटर्नल अपेंडिजेस हैं वो वार्मर क्लाइमेट में पाए जाते हैं। ये है एलन्स रूल्स के अकॉर्डिंग। एलन्स रूल स्टेट्स दैट सर्टेन एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनिमल्स आर रिलेटिवली शॉर्टर इन कूलर पार्ट्स ऑफ आर स्पीसीज रेंज देन इन द वार्मर पार्ट्स। वही बात बोली गई है कि जो भी एनिमल्स हैं जो कि कूलर एरिया में रहते हैं उनके एक्सटर्नल अपेंडिजेस शॉर्ट होते हैं, वार्मर रीजन के जो है वो लार्ज होते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज मीन्स होता है आर्म्स हो गया, जैसे कि लेग्स हो गए, ईयर्स हो गए या फिर नोज हो गई, ये सारी चीज़ों के बेस पे बोला गया। तो बर्जमैन्स रूल के बाद आ जाता है एलन्स रूल, जिसका मेन ये है कि ऐसे एंडोथर्मिक एनिमल जिनका एक्सटर्नल अपेंडिजेस शॉर्ट है वो कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं, और ऐसे एनिमल जिनके वार्मर है मतलब जिनके अपेंडिजेस लार्ज हैं वो वार्मर क्लाइमेट्स में पाए जाते हैं। टोटल हम फोर रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पहले बर्जमैन्स पढ़ लिया, एलन्स रूल्स पढ़ लिया, अब आ जाता है ग्लॉगर्स रूल। ग्लॉगर्स रूल स्टेट दैट बर्ड्स एंड मैमल्स शुड बी डार्कर इन ह्यूमिड एंड वार्म इन्वायरमेंट कंपेयर टू कोल्ड एंड ड्राई एरिया, यानी कि ऐसे बर्ड्स या ऐसे मैमल्स जो कि वार्म एरिया में रहते हैं उनकी बॉडी जो होती है वो मोर पिगमेंटेड होती, मीन्स कि उनकी बॉडी डार्क होती है एज कम्पेयर टू कोल्डर एरियाज में रहने वाले मैमल्स के या बर्ड्स की, ठीक है। यानी कि जो ठंडे एरिया में लोग रहते हैं, जैसे कि आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि जो लोग हिमाचल साइड पर रहते हैं और जम्मू कश्मीर साइड पर रहते हैं उनकी स्किन एज कम्पेयर टू जो यूपी साइड पर या साउथ साइड पर रहते हैं उनसे जो है वो लाइट होती, मीन्स वो लोग वाइट स्किन के होते हैं, ठीक है, गोरे होते हैं जिसको कहा जाता है। इन केस ऑफ ह्यूमंस की बात करें, इन केस ऑफ ह्यूमंस यहाँ पे एक एग्जांपल देगा, पॉपुलेशन दैट इन्वॉल्व इन सनियर इन्वायरमेंट्स विच इज क्लोजर टू इक्वेटर टेंड टू बी डार्कर पिगमेंटेड देन पॉपुलेशन ओरिजिनेटिंग फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक। बट हर केसेस में एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इक्वेटर, नियर द इक्वेटर मीन्स कि सन के पास है, और फार द इक्वेटर दैट मीन्स सन से दूर है। तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन में ये बोला गया कि ऐसे पॉपुलेशन जो कि क्लोजर टू इक्वेटर यानी कि सन के पास है वो डार्कर होती है, उनकी स्किन जो होती है डार्क होती है एज कम्पेयर टू दैट पॉपुलेशन जो कि फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से जो है थोड़ा सा दूर है। उसकी बात बोली गई है कि उनकी जो बॉडी होती है उनमें पिगमेंटेशन कम होता है, ठीक है। कलर वेरिएशन एसोसिएटेड विद ग्लॉगर्स रूल्स मेनली ड्यू टू डिफरेंसेज इन मेलनिन पिगमेंटेशन। मेलनिन्स आर द मोस्ट कॉमन पिगमेंट्स इन बर्ड्स एंड मैमल्स। मेलनिन पिगमेंटेशन की वजह से ही जो यहाँ पे जो ग्लॉगर्स रूल है उसके बेसिस पे ये बोला गया है, ठीक है। तो ग्लॉगर्स रूल्स का मेन यही है कि जो भी स्पीसीज या जो भी बर्ड्स या फिर जो भी मैमल्स जो कि नियर द इक्वेटर रहते हैं जिनके ऊपर सनलाइट ज़्यादा पड़ती है वो डार्कर होते हैं एज कम्पेयर टू कोल्डर रीजन वाले एनिमल्स या स्पीसीज पे। सो नेक्स्ट जो फोर्थ है वो आ जाता है शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। सबसे पहले हमने बर्जमैन्स रूल्स पढ़ा, एलन्स रूल्स पढ़ा, ग्लॉगर्स रूल्स, अब आ जाता है शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टॉलरेंस पॉपुलेशंस हैव ऑप्टिमल सर्वाइवल कंडीशन विद इन क्रिटिकल मिनिमल एंड मैक्सिमम थ्रेशोल्ड। यहाँ पे ये बोला गया कि कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो है वो सर्वाइव करी है उसके उसका उसी के बेसिस पे ये रूल को बनाया गया।
सबसे पहले बात करें, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पीसीज इन रिस्पॉन्स टू अ लिमिटिंग फैक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ बेल शेप्ड कर्व विथ थ्री डिस्टिंक्ट रीजंस। तो हम अभी डायग्राम के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले जो स्पीसीज है उनको थ्री रीजंस में जो है वो उनको जो है डिवाइड किया गया है। एक आ जाता है ऑप्टिमल जोन। ऑप्टिमल जोन मीन्स क्या होता है कि दैट इज द सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्व विच हैज कंडीशन दैट फेवर मैक्सिमल रिप्रोडक्टिव सक्सेस एंड सर्वाइवेबिलिटी। मीन्स जो ऑप्टिमल जोन है, अभी हम ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ का जो मिड वाला रीजन है जो कि ऑप्टिमल जोन जिसको बोला गया है, उसका मतलब कि वहाँ पे जो भी पॉपुलेशन है उसके पास मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव सक्सेस है और वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करेगी, जो भी पॉपुलेशन है जो कि ऑप्टिमल जोन में आती है। नेक्स्ट आ जाती है जोन ऑफ स्ट्रेस। रीजंस फ्लैंकिंग द ऑप्टिमल जोन वेयर ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव बट द विथ रिड्यूस रिप्रोडक्टिव सक्सेस। जो जोन ऑफ स्ट्रेस है उसमें क्या होगा कि उसमें जो है जो पॉपुलेशन है वो सर्वाइव करेगी लेकिन उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। नेक्स्ट आ जाता है जोन ऑफ इंटॉलरेंस, आउटर मोस्ट रीजन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता है उसको कहेंगे जोन ऑफ इंटॉलरेंस। ठीक, दिस वन। सो ये ग्राफ है जिसमें आपको देखना है कि सबसे पहले तो ये क्या, एनवायरमेंट ग्रेडियंट मैंने नोट किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको तीन जोन दिख रही है, ये मैंने लिखा है ऑप्टिमल टॉलरेंस जोन। सो जो ये जो मिड वाला दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, फिटनेस एंड ग्रोथ मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन सर्वाइव कर रही है इसको कहेंगे जोन ऑप्टिमल जोन। ऑप्टिमल जोन कहेंगे इस वाले रीजन को, ऑप्टिमल जोन। इसमें क्या होगा, जो भी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करेगी, उसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो होगी वो मैक्सिमम होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दिस वन, जहाँ पे फ्यू ऑर्गेनिज्म लिखे हैं, इसको कहते हैं जोन ऑफ स्ट्रेस। सेकेंड वाला जो था, मतलब कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा लेकिन उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस कम होगी एज कम्पेयर टू ऑप्टिमल जोन से। उसके बाद जहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म एब्सेंट लिखा है, दैट मीन्स ये ऑर्गेनिज्म की परफॉर्मेंस शो कर रहा है, जोन ऑफ इंटॉलरेंस। ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट रीजन्स है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं करेंगे, इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, सो बहुत ही ईजी है इकोलॉजी के रूल, आपको बस एक दो बार पढ़ना है, आपको खुद ही लर्न हो जाएंगे। और मैंने चार रूल्स के बारे में आपको बताया, सबसे पहले बर्जमैन्स रूल्स, एलन्स रूल्स, ग्रॉगर रूल्स, और उसके बाद हमने शेल्फर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस पढ़ा है। सो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।